नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। देहरादून में आयोजित हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया से पहुंचे इन्वेस्टर्स ने हेल्थ सेक्टर में खासी रुचि दिखाई है, जिसमें राज्य के 4 अस्पतालों को पीपीपी मोड पर दिए जाने का फैसला भी लिया गया है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने फिलहाल अभी इसकी कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी शर्तों पर ही अपने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में देंगे, जबकि उनके इस बयान से ठीक पहले ही 4 अस्पतालों को लेकर पीपीपी मोड पर दिए जाने की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है, जो बताता है कि धामी सरकार ने एक बार फिर अस्पतालों को निजी हाथों में सौंप कर बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हेल्थ सेक्टर में भी अपनी रुचि दिखा सके और राज्य के लोगों को भी इसका निश्चित लाभ मिल सके। तो वहीं जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अस्पतालों का निर्माण पूरा हो चुका है, अब इनमें मैन पावर और मशीनों को पीपीपी मोड पर ले रहे संस्थाओं को पूरा करना है, जिससे अस्पतालों की सुविधाएं और बेहतर हो सके। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि हल्द्वानी और हरिद्वार समेत 4 अस्पताल निजी हाथों में सौंपे जाने हैं, जिसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। फिलहाल की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।